बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पावर पॉइंट सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अगर कोई स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन ओपन करनी है या क्रिएट करनी है, न्यू क्रिएट करनी है या पहले से आपके सिस्टम के अंदर कोई अगर समझ लें कि सेव है तो उसको हमने कैसे ओपन करना है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जैसे हम यहाँ पे एक बटन होता है न्यू का, इस न्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है ना वो ओपन होगी। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वन पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वन जो है ना मेरी ओपन हो चुकी है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने कोई यानी कि समझ लें कि टेम्पलेट वगैरह अगर आपने ओपन करने हैं या क्रिएट करने हैं, जैसे ये वेलकम टू पावर पॉइंट के लिए है, ये स्लाइस के लिए है, जैसे ये गैलरी वाला है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये तीन चार और इसके गैलरी वाले ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो ये देखें व्यूअर्स मेरी एक प्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ पर एक और ओपन हो गई है। इसी तरह व्यूअर्स दोबारा न्यू पर जाते हैं, यहाँ पे देखें सर्च फॉर ऑनलाइन, यानी कि सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट एंड थीम्स। तो प्रेजेंटेशन यानी कि अगर सिर्फ आपने ओपन करनी है तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। ये देखें ये सारी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो ओपन हो रही है, देखें थोड़ी ब्राउजिंग हो रही है। ये देखें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये थोड़ी सी हैवी यानी कि समझ लें कि इसकी डाउनलोडिंग है तो ये कुछ टाइम लेगी और डाउनलोड होने के बाद आपके समझ लें कि ये खुल जाएगी। तो ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी सी समझ लें कि एक थीम जो है ना वो डाउनलोड होगी। फिर ये तमाम थीम उसी वक्त आपके सिस्टम में यानी कि आएंगी अगर आपके सिस्टम जो है ना वो समझ लें ऑनलाइन होगा या नेट से लॉगिन होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, मैं दोबारा फिर फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे न्यू करके अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई यानी कि ओपन करनी है यानी कि यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एजुकेशन, एजुकेशन की कोई थीम अगर आपने ओपन करनी है तो देखें ये ब्राउजिंग होने के बाद ये देखें ये सारी ये स्कूल की है, ये एजुकेशन प्रेजेंटेशन की है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये भी व्यूअर्स देखें स्लाइड जो है ना काफ़ी हैवी स्लाइड है। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो ये कुछ टाइम लेगी और ये स्लाइड आपके सिस्टम के ऊपर जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें थोड़ी सी हैवी साइट है, ये डाउनलोड होने की वजह से डाउनलोड होगी। ये देखें डाउनलोड यूर टेम्पलेट एजुकेशन प्रेजेंटेशन, यानी कि एजुकेशन प्रेजेंटेशन की साइट है, सॉरी प्रेजेंटेशन है। तो ये आपके सिस्टम पे जैसे ही ये डाउनलोड होगी मैं आपको अभी इसका विजिट करवाता हूँ। ये देखें आप इसके अंदर अपना यानी कि मटीरियल लिख के इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा अभी आपने कुछ जो समझने के थीम्स वगैरह को एडिट करना हो तो कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पे फाइल पे जाके आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें काफ़ी सारी थीम्स चार्ट वगैरह अगर आपने यहाँ पे व्यूअर्स करने हैं तो देखें यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट्स की थीम जो है ना वो भी डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखें ठीक हो गया। तो ये होता था यानी कि ये तरीकाकार है कि अगर आपने साइट ये देखें चार्ट की 62 पड़ी हुई है, बिज़नेस की 31 है, प्रेजेंटेशन 31 है, पर्सनल 13 है, बजट की 11 है, ये साथ में मेडिकल की 4 पड़ी हुई है, लिस्ट की 1 है। जितनी भी आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर अगर आपने कोई चार्ट के अलावा अगर आपने कोई और करनी है
यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, ये देखें डायग्राम है, बिजनेस है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स है, ये सारी साइट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कोई और साइट अगर आपने यहाँ से करनी हो, देखें जैसे ये मेरी सर्किट वाली है, ये देखें अब यहाँ पे इसको एडिट करके ये बैकग्राउंड में ये आपका सर्किट जो है ना वो इस तरह शो हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स होता है कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई डाउनलोड की हुई हैं उनमें से किसी को ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। अब रिसेंटली अगर जो आपने ओपन की हैं जैसे ये वाली, तो इस पर इसको पिन को पिन कर देंगे तो पिंड हो जाएगी, और यहाँ से अनपिन करेंगे तो अनपिन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपकी ड्राइव ऑनलाइन ड्राइव के ऊपर कोई पड़ी है वहाँ से डाउनलोड करनी है दिस पीसी, यानी कि इस पीसी के ऊपर, तो यहाँ पे आपने ब्राउज पे जाके जैसे मेरी ड्राइव के ऊपर कुछ साइट जो है ना वो पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखें मेरी स्लाइड जो है ना यहीं से ओपन हो जाएगी, ये देखें। ठीक हो व्यूअर्स, तो ये तो था तरीकाकार व्यूअर्स कि आपने स्लाइडें जो है ना वो क्रिएट कैसे करते हैं और उसके बाद आप ओपन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।